नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मेष राशि के लिए प्रेम में सफल होने के लिए ऐसे कौन से सूत्र है, अगर आप इस सूत्र पर अमल करोगे तो आप प्रेम में सफल होने के चांसेस पूरे के पूरे बनते हैं। वो सूत्र क्या है, वो बात कौन से, इसके बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो मेष राशि के बारे में अगर देखा जाए तो यह राशि मंगल की राशि है, प्रथम भाव में आने वाली राशि है। यह राशि चर राशि है, अग्नि इसका तत्व है और पुरुष राशि है। तो इस राशि के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, इस राशि में एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा इस राशि में होती है। और यह जो एनर्जी लेवल है, यह एनर्जी लेवल करीबन हर क्षेत्र में दिखाई देती है। इनके नेचर में, इनके स्वभाव में, इनके रहन सहन में, जीवन के प्रति दृष्टिकोण में और रिलेशनशिप के मामले में भी यह जो एनर्जी लेवल होती है, जो ऊर्जा का स्तर होता है, उनका बहुत ज्यादा होता है। और ऊर्जा का स्तर बहुत ज्यादा होने के कारण इम्पेशेंटनेस इनमें बहुत ज्यादा आता है। मतलब किसी भी बात के लिए ये जो लोग होते हैं या फिर मेष राशि के जो व्यक्ति होते हैं, वो ज्यादा राह नहीं देखते। कोई भी बात जल्दी जल्दी होनी हो जानी चाहिए, फटाफट हो जानी चाहिए, ऐसी अपेक्षा, ऐसे एक्सपेक्टेशन ये सामने वाले से रखते हैं। अभी देखिए, यह जो नेचर, यह जो स्वभाव है, वो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। मतलब कोई भी काम करना हो तो फटाफट करके पूरा कर लो, लेकिन इसमें सोच थोड़ी कम होती है। मतलब कोई भी अगर मामला हो तो उसमें सोच होनी ज्यादा आवश्यक है। और ये जो सभी बातें हैं अभी जो मैंने इनके गुण गिनवाए, जो कि बहुत पॉजिटिव है, जैसे कि मैंने कहा करियर के बारे में या फिर किसी काम के बारे में, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में या फिर प्रेम के मामले में यह जो नेचर है, यह नेचर ज्यादा काम नहीं करता। क्योंकि क्या होता है, आपको सामने वाले को भी थोड़ा समय देना आवश्यक होता है, थोड़ा स्पेस देना आवश्यक होता है। क्योंकि यह जो मामला है, प्यार का जो मामला है, वो भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। तो सामने वाले जो व्यक्ति है, वो भावनाओं के प्रति जब तक आपके साथ पूरी तरह से एक रूप नहीं होते, जब तक उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, उनकी जो वेवलेंथ है, वो आपसे पूरी तरह से एक रूप नहीं होती, तब तक आपका जो प्रेम है वो आगे बढ़ना कठिन है। जैसे कि आपका नेचर है, देखिए हर एक का नेचर अलग अलग होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जैसा आपका नेचर है वैसे ही सामने वाले का नेचर है, जैसा आप सोचते हो उसी प्रकार से सामने वाले को देखना चाहिए। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके मतलब प्रेम में अगर आपको देखना है तो आपकी जो वाणी है, वो वाणी बहुत मधुर होनी आवश्यक है, और ये बात आप में बहुत कम होती है। आपकी जो वाणी होती है वो तीखी होती है, आप सीधा सीधा बोल जाते हो, आपको लगता है कि मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ और मैं जो भी बात है सामने सामने कह देता हूँ या फिर कह देती हूँ, लेकिन यह जो बात है वो सामने वाले को खलती है। मतलब देखिए, आपके शब्द होते हैं वो शब्द तीर की तरह दूसरे के मतलब हृदय में जाते हैं और वो घाव पैदा करते हैं, और जो शब्द के जो भगाव होते हैं वो भगाव कोई भी व्यक्ति काफी समय तक लेता है। और जो प्रेम है, वो प्रेम भावनाओं से जुड़ा होता है, जिसके व्यक्त करने के लिए आपको शब्द चाहिए होते हैं। अगर आपके शब्द, अगर आपकी वाणी तीखी हो तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। तो ये बात पहली है कि आपकी जो वाणी है वो बहुत मीठी और मधुर होनी चाहिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आप अच्छी तरह से नहीं बोल सकते या फिर मधुर वाणी आप नहीं ले सकते, तो सबसे ज्यादा महत्व, अगर आपको जो भी कहना है शब्दों में नहीं कहना। मतलब देखिए क्या होता है कि अगर आपको जो भी कहने वाली बातें होती है आप एकदम रैशली कह देते हो, मतलब जो भी, मतलब जितने भी, मतलब गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको कुछ कहना है थोड़ा शांत रहो, थोड़ा शांत रखे उसके बाद देखिए, जैसे ही आपकी भावनाएं आती है उसी प्रकार अगर आप बोल दो तो आपका जो नेचर उसी तरह से शब्द बाहर आ जाएंगे जो कि तीखे होते हैं। तो तीखे शब्द यूज नहीं करना, उपयोग में नहीं लाना। अगर आपको कुछ कहना है थोड़ा शांत रहो और उसके बाद, क्योंकि शांत रहने के बाद जो तीखापन है आपके वाणी का वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ये एक बात है कि आपकी जो तीखी वाणी है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको काम करना आवश्यक है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, इम्पेशेंटनेस। मतलब कोई भी बात जल्दी जल्दी हो जानी चाहिए, फटाफट हो जानी चाहिए, अगर वो नहीं हुई तो आपका जो गुस्सा है वो सामने उमड़ कर आता है। तो ये जो गुस्से वाली बात है, देखिए आप जितना एजाइल्ड हो, आप जितना मतलब एक्टिव हो, उतने एक्टिव सामने वाले व्यक्ति नहीं हो सकते, उनको भी स्पेस देना आवश्यक है। मतलब देखिए प्रेम में क्या होता है, जो सामने वाली व्यक्ति होती है उससे आपका, उसके पास साथ आपको एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सामने जैसी है उसे उसी तरह से अगर आप
आप प्रेम में एक्सेप्ट करते हो, स्वीकार करते हो, स्वीकृत करते हो, तो ही आपका जो प्रेम है वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकता है। सामने वाले से अगर कोई गलती हो गई भी हो तो भी आपको थोड़ा शांत रहना आवश्यक है। तो शांत रहना, जो मैंने दूसरी बात की कि गुस्से पर थोड़ा अमल करना चाहिए, सामने वाले को स्पेस देना चाहिए, शांत रहिए। शांत अगर आप रहोगे तो कोई भी प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की नहीं होगी। और तीसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपकी जो राशि है वो मतलब प्रेम में अगर हो तो फिजिकल जल्दी हो जाती है। ये मैं खास करके पुरुषों से या फिर जो पुरुष है उनसे कहना चाहता हूं कि फिजिकल जल्दी नहीं होना। अगर आप किसी के प्रेम में हो तो शारीरिक तौर पर उस प्रेम का मतलब नहीं निकालना, अर्थ नहीं निकालना। अगर इस तरह से आप आगे बढ़ोगे तो आपकी जो प्रेम है वो प्रॉब्लम में आ सकता है, क्योंकि आगे वाले जो व्यक्ति होंगे वो हमेशा यही सोचेंगे कि सिर्फ आप प्रेम में नहीं शरीर में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। तो यह जो भावना है, यह जो भाव है वो अगर सामने वाले में आ गया तो फिर आपको जो प्यार है वो आगे बढ़ना थोड़ा कठिन हो सकता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार बाकी की जो भी बातें वो आप में बहुत अच्छी पाई जाती है, मतलब सामने वाले के अगर खर्च के प्रति आपको पैसा वगैरह खर्च करना है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एंजॉयमेंट के लिए कोई भी प्रॉब्लम है, घूमने फिरने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, तो वो सभी बातें अच्छी है। लेकिन अभी जो मैंने 3-4 बातें गिनवाई, अगर आप उस पर अच्छी तरह से अमल कर लो तो मेरे ख्याल से आप प्रेम में सफल होने के चांसेस बहुत अच्छे बनते हैं। आपका प्रेम है वो काफी समय तक आगे बढ़ सकता है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और यदि भी इसके अलावा मतलब आप इस सभी मुद्दों पर अमल करते हुए अगर आपको लगता है कि आपका प्रेम सफल नहीं हो रहा है तो उसके संदर्भ में आपकी कुंडली या फिर आपके सामने जो व्यक्ति है उसकी कुंडली देखनी आवश्यक होती है। तो जैसे मैंने कहा, कुंडली देखने के बाद जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है उसमें से हल निकल के आ सकता है। तो दोस्तों, अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।